CR4 में जो कूलेंट है वो बदलने के लिए देखिए, सबसे पहले तो कूलेंट चैम्बर को खोलना है और ये जो कूलेंट बॉटल है 50-50 के रेशो में हमको डालना होता है। तो शुरुआत में 2 लीटर कूलेंट हम डालेंगे। और गाइस, मेन कूलेंट के बाद में बारी आती है डिस्टिल वाटर की। कई लोग टैप वाटर का भी यूज़ करते हैं, बट उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और टैप वाटर की जगह डिस्टिल वाटर डालना है। उससे आपके जो कूलेंट जो हीटर कॉइल है और प्लस जो रेडिएटर है वो कभी भी जैम नहीं हो। तो गाइस, कूलेंट चैम्बर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग दी होती है मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम से ऊपर ना हो, इस चीज़ की आप कोशिश करें। और गाइस, थोड़ा सा कूलेंट ज़्यादा भर के गाड़ी को कुछ देर के लिए चालू छोड़ दें, जिससे कि लाइन में जितने भी बबल्स होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।